बच्चों अब हम प्रतिलोम फलन ज्ञात करने के कार्य विधि देखते हैं। प्रतिलोम फलन ज्ञात करने हेतु क्रियाविधि, या फिर स्टेप्स, ये स्टेप हम ध्यान रखें तो हमें आसानी होगी। ये स्टेप्स हैं या कार्यविधि है। बच्चों मान लीजिए यदि एक दिया गया फलन f such that x tends to y एकैकी तथा आच्छादक है, एकैकी तथा आच्छादक फलन है। जैसे पूर्व के उदाहरण में आपने देखा एकैकी तथा आच्छादक फलन का ही व्युत्क्रम मौजूद होता है। मान लीजिए फलन एकैकी तथा आच्छादक है तो एफ इनवर्स ज्ञात करने हेतु आपको क्या क्या करने होंगे। देखिए ये स्टेप्स जो है, पहला स्टेप्स जो फलन दिया गया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई लीजिए। ठीक है बच्चों, एफ ऑफ एक्स को y ले लेना है जहां y बिलोंग्स टू सह प्रांत और x बिलोंग्स टू प्रांत। दूसरा स्टेप है, प्रश्न में जो f ऑफ दिया है f ऑफ x का मान दिया है, f ऑफ x के मान को रखिए, f ऑफ x के मान को चरण एक में रखिए। अगला स्टेप है, जब आप f ऑफ x के मान को यहां रख देंगे तो आपको एक समीकरण मिलेगा। तो प्राप्त समीकरण f ऑफ x इज इक्वल टू y को सरल कीजिए। ठीक है बच्चों, और सरल करते हुए तथा सरल करके x का मान y के पदों में लिखिए। ठीक है बच्चों, तो ये जो x का जो मान आया ये जो तीसरा चरण है या तीसरा थर्ड स्टेप है, ठीक है, चरण तीन में या से प्राप्त x के मान को, x के मान को f इनवर्स ऑफ y से प्रतिस्थापित कर दीजिए। क्या मतलब बच्चों, x की जगह पर आपको f इनवर्स y रख देना है और यही प्राप्त f इनवर्स ऑफ y ही दिए गए फलन f ऑफ x का प्रतिलोम फलन होगा। तो बच्चों ये जो पांच स्टेप है, इस पांच स्टेप को यदि आप याद रख लेते हैं तो हम
एक दिए गए फलन जो एकैकी आच्छादक है का हम प्रतिलोम प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों ये स्टेप्स को नोट करें और जब भी हम प्रश्न करें इन्हीं स्टेप्स के आधार पर करें तो आपका सवाल बड़ी सरलता से बन सकता है। नोट कीजिए प्लीज़।